देश में हर महीने की पहली तारीख किसी न किसी बदलाव का गवाह बनी है, क्योंकि इस तरह से कुछ नए नियम लागू होते हैं। 2021 के अक्टूबर माह की शुरुआत में भी ऐसा होने जा रहा है। नए लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपए पैसों के लेन देन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े हैं। आइए जानते हैं अगले माह से लागू हो रहे इन बदलाव के बारे में। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम लागू हो रहा है। RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट क्रेडिट कार्ड और या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैंडेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दे। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजैक्शन, जैसे SIP कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट आदि, मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक SMS या ईमेल आएगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, 1 अक्टूबर से 3 बैंकों के चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड होने जा रहे हैं। ये बैंक हैं अलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया है। वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है। तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है।